जय श्री राम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत आए हैं, हम तो चंदौलिया के रहने वाले, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए, गुजरात से लोग भी आएंगे, राजस्थान के। पूछो मत, इतना खुशी हो रहा है। अरे बहुत खुशी हो रहा है, ऐसा सोचा नहीं था हमने कि यहाँ पे हमें मौका मिलेगा काम करने के लिए। मैम हम लोग बहुत मैम प्रसन्न है, क्योंकि ये बहुत पहाड़ी इलाका था। आज मैम यहाँ मंदिर पूरा बन रहा है, हम लोग बहुत प्रसन्न है। देखिए लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राम भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, और उसको तैयार करने के लिए जो हमारे साथ यहाँ पर मजदूर खड़े हैं, ये वो 4000 मजदूरों में से कुछ है जो कोई लाइट का काम कर रहा है, कोई पत्थर की कारीगर का काम कर रहा है। और देखिए खुशी का ठिकाना नहीं है, लगातार बात की जाए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, योगी बाबा, जय श्री राम। आज कितनी खुशी हो रही है कि भगवान राम मंदिर के लिए, खुशी के लिए, खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है कि कितना हम लोग को खुशी है। बिल्कुल ठिकाना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ये पसीना ना बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है। आज इतना खुशी है ये जान लीजिए। ये पिछले जन्म में कोई कर दिए होंगे कि हमें प्रभु राम का जो मेरा घर बीकापुर पड़ता है, बंकट। मेरा नाम सुभाष जी, मैम सुभाष गुप्ता मेरा नाम है। दो साल से निरंतर यहाँ पे काम जी, मैम दो साल से हम लोग काम कर रहे हैं राम जन्मभूमि में। यहाँ पर आपका क्या काम रहता है? मैम मेरा वर्क तो रहता है कारपेंटर का। जी मैम, क्या कुछ आपने तैयार किया है? मैम वो क्या कहते हैं, इधर फायर पोस्ट बिल्डिंग जो है, हम लोगों ने पूरा शुरुआती जब नीचे फर्स्ट फ्लोर में स्टार्ट हुआ तो हम लोग पूरा बन के और रेडी हो गया सामने। आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग तो चुनाई काम कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। अच्छा, तो क्या कुछ अभी तक का आप लोग ने तैयार कर लिया? 4 महीने हुए आपको आए हुए? जी हाँ। हर बार बदलते हैं लोग यहाँ पर? हाँ मतलब जैसे, हाँ जैसे आज यहाँ कर लिए, यहाँ का जब काम खत्म हो गया तो आगे काम है तो वहाँ करते हैं। चौथा काम खत्म हो गया तो जुड़ाई बिल्डिंग वाले में काम में लग गए। जो काम आता है वो काम करते हैं, जो काम मिलता जाता है करते रहते हैं। कितने घंटे तक काम करना होता है? काम 12 घंटा चलता है, निरंतर 12 घंटे चलता है। कि ओवर टाइम भी आप लोग करते हैं? ओवर टाइम भी करते हैं, मिल जाता है तो आए हैं घर छोड़ के तो करवे करेंगे। तो कहाँ से हैं आप? जिला चंदौली से हैं, थाना साहबगंज से। आप यहाँ पर राम मंदिर के लिए बिल्कुल आए हैं? बहुत आए हैं, हम तो चंदौलिया के रहने वाले, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, गुजरात से लोग भी आएंगे। बिहार, गुजरात, झारखंड और कहाँ से? सब हर एक जगह से आए हैं। ठीक है, आप कहाँ से हैं? बिहार बांका जिला से हैं। बिहार से हैं। आज राम मंदिर का तैयार हो रहा है और आप ही लोगों का संघर्ष, आप ही लोगों का जिस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं, कैसी कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी है मैडम, काफी खुशी लग रहा है कि ये हिंदू राज का हम लोग का यही है धर्म नीति। आप कहाँ से हैं? हमें भिलगा श्रावस्ती से हैं। श्रावस्ती से हैं? हाँ जी। कितने जोश उमंग के साथ लगातार लगे रहते हैं काम? बहुत जोश के साथ लगा रहते हैं, 24 घंटा भी ड्यूटी करनी पड़ती है तब भी करते हैं। हमने सुना है कि यहाँ पे बहुत से बुजुर्ग भी हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं। जी हैं, वो भी लगे हुए हैं इसी में 12-12 घंटे। हाँ वो भी 12-12 घंटे राम श्री राम का नाम लेते रहते हैं, काम करते रहते हैं यहाँ पर। जो आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? हम कारपेंटर का काम करते हैं जी। तो यहाँ पे जो नक्काशी तैयार की जा रही है, डिजाइन तैयार की जा रही है, वो किस तरीके की, किस सोच के साथ हो रही है? बहुत ढंग से और सरिया के साथ डिजाइन वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छे से बनाया जाता है। जो भी अगर अच्छा नहीं होता उसको गिरा के फिर से बनाया जाता है, रिपेयरिंग किया जाता है। तैयार होता है, अगर पसंद नहीं आता तो उसको फिर गिरा करके फिर आप लोग तैयार? जी फिर से तैयार करते हैं हम लोग। देखिए निरंतर अगर काम की बात की जाए तो जो चीज समझ में नहीं आती उसको गिराया भी जाता है और फिर तैयार किया जाता है। ये जोश है, ये उमंग है लोगों में, चारों तरफ देखिए जय श्री राम का नारा। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं, तो राजस्थान से तो पत्थर भी है जी, सब जी, लग रहे हैं। हमारे यहाँ से ही आता है, राजस्थान से पत्थर आ रहा है। ये पत्थर हमारे यहाँ से ही आ रहा है, पत्थर आपके यहाँ से लगा? जी जी। इतनी खुशी हो रही है कि राजस्थान के? पूछो मत, इतना खुशी हो रहा है। अरे बहुत खुशी हो रहा है, ऐसा सोचा नहीं था हमने कि यहाँ पे हमें मौका मिलेगा काम करने के लिए। कभी नहीं सोचा था कि राम मंदिर के निर्माण में? कभी नहीं सोचे थे मैं। चैन होगा? जी मैम कभी नहीं सोचा। अयोध्या से मैम, अयोध्या पिलखावा। अयोध्या वासियों के जहन में कितनी खुशी है क्योंकि अयोध्या के लिए ये दिन बहुत ही है, तो राम भक्त के जितने हैं उनके लिए दिन है। जी मैम हम लोग बहुत मैम प्रसन्न है क्योंकि ये बहुत पहाड़ी इलाका था सर, मैम पहले बहुत पहाड़ी, अब आज मैम यहाँ मंदिर पूरा बन रहा है, हम लोग बहुत प्रसन्न है मैम। अच्छा आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये राम जन्मभूमि में कार्य करने से हम लोगों को खुशी है ही। कितना उम्र होगा आपका?
52 इयर्स। देखो 52 साल के भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, युवा तो युवा, और अगर बात की जाए तो 52 साल के भी काम कर रहे हैं। थकावटी महसूस होती? कोई महसूस नहीं होती है। मैं गर्व से यह कह सकता हूँ कि मैं राम जन्मभूमि में कार्य करने के लिए आया हूँ। यह कार्य करने से थकावट कभी एहसास ही नहीं हुआ। घरों से इतना दूर रहते हैं कि घर वाले नहीं कहते कि कहाँ जूझे हो, यहीं पे आसपास काम देख लो। वो उन्हें भी बहुत ज्यादा गर्व है, हमारे गाँव के लोगों को भी बहुत ज्यादा गर्व है कि हम राम जन्मभूमि बनाने के लिए आए हैं और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो घर वाले भी खुश है, प्रसन्न है? हाँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। घर वाले नहीं, हमारे गांव के लोग भी बहुत ज्यादा प्रसन्न है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने यहाँ पर काम करने के लिए आया। राम मंदिर में काम करने को मैं मिला है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। राम मंदिर में सब लोग का मैम एंट्री भी नहीं हुआ है काम करने के लिए। मैम स्टील फिटर है जी। मैम कब तक तैयार कर सकते हैं राम मंदिर? राम मंदिर में अभी 22 को तो मूर्ति का स्थापना हो रहा है, क्योंकि अभी मूर्ति का स्थापना हो रहा है, बनने में तो मैम अभी टाइम लगेगा। तक का कितना तैयार हो गया? कौन कौन से पत्थर लग रहे हैं, कुछ पता है इसका आइडिया है? मैम पत्थर का तो आइडिया नहीं मैम। नक्काशी लग रहा है, पत्थर तो इतना लग रहा है कि जिसका नाम है हम लोग भूल जाएंगे। कौन कौन सा पत्थर? मार्बल, जो मार्बल स्टोन है, जो सिंग मरमर बोलते हैं उसका नाम जी। एक पत्थर जो फ्लोरिंग में लग रहा है उसे डिजाइन दिया गया है, उसमें अच्छे अच्छे डिजाइन दिए गए हैं इसमें। और भूकंप के लिए आप लोगों ने क्या कुछ इंतजाम किया? क्योंकि कहा जा रहा है कि भूकंप के लिए जो पिलर बनाए जा रहे हैं वो बहुत चौड़े पन से। हाँ जी, काफी चौड़े हैं उसके। हाँ काफी चौड़े हैं और इससे मजबूती है। सरिया बहुत तगड़ा तगड़ा दिया जा रहा है, इसीलिए बहुत मोटा मोटा सरिया दिया जा रहा है। मजबूती से पूरा जो है काम हो रहा है, बनाई जा रही है, बहुत मजबूत बन रहा है। एक बार हम चाहेंगे एक बार जय श्री राम का नारा। जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वो मजदूर हैं जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, हर खुशी में बस एक ही का नाम है कि जय श्री राम का नाम ले रहे हैं और राम का भव्य मंदिर को तैयार कर रहे हैं। 500 साल का संघर्ष जो संपूर्ण रूप से यहाँ पर दिख रहा है, उसकी जो एक नींव रखी जा रही है, जिस तरीके से राम मंदिर आज बन करके तैयार हो रहा है, बस 22 जनवरी का इंतजार है जब राम मंदिर की मूर्ति यहाँ पर विराजमान होगी। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे एलईडी भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।